हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एदुबोट पर। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम रिजल्ट का सभी साथी वेट कर रहे होंगे, तो आप सभी को यह बता देना चाहते हैं कि पीजीटी हिस्ट्री का जो रिज़ल्ट होगा वो अगस्त के तीसरे सप्ताह में जारी होने की पूरी संभावना है। वो भी समथिंग 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच जो है रिज़ल्ट जारी हो सकता है। रिज़ल्ट में देरी होने का मुख्य कारण है, आप सभी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण पर रिज़ल्ट जारी करने का फैसला सुनाया है और 65% आरक्षण को जो है उसने रद्द कर दिया। तो आज आप सभी के लिए पीजीटी हिस्ट्री का एक्सपेक्टेड कटअप कितना जाएगा इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीजीटी हिस्ट्री का एक्सपेक्टेड कटअप जो बनेगा, इससे पहले हम लोग एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन का जो पेपर था इजी तो नहीं कह सकते, मीडियम कह सकते हैं, मीडियम टू मॉडरेट था। लगभग जितने भी स्टूडेंट अपीयर हुए हैं सभी के सभी ज़रूर क्वेश्चन को बनाए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे। और जो क्वेश्चन, ये आम बात है कि इजी क्वेश्चन जो है सभी का कुछ न कुछ ज़रूर गलती करके आए होंगे। तो क्वेश्चन का जो लेवल जो था वो मीडियम से मॉडरेट था। और जहाँ तक जीएस की बात करते हैं तो जीएस जो है अन्य पेपर के अपेक्षा पीजीटी हिस्ट्री का जीएस बहुत ही आसान कह सकते हैं। और जहाँ तक आंसर की बात है तो आंसर की जो है आप लोगों को 10 अगस्त से अपलोड होना शुरू हो जाएगा और ओमारशीट भी जो है लगभग अपलोड करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो जब ने तब जो है ओमारशीट डाउनलोड करने की तिथि का ऐलान हो सकती है, उसके बाद आंसर की, और आंसर की के माध्यम से आप लोग ओमारशीट डाउनलोड करके मिला सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 50% आरक्षण पर जो रोस्टर बिंदु तैयार हो रही है तो उस पर रिजल्ट जारी हो सकती है। उस हिसाब से पीजीटी हिस्ट्री का जो टोटल सीट है बनता है 2,222 सीट, जिसमें 50% आरक्षण पर पुरुष का जो सीट है वह 1,631 है और 35% आरक्षण पर महिला का जो सीट है वह है 591। तो इस तरह टोटल सीट लगभग 2,222 सीट। इस आधार पर यदि यूआर का जो कैंडिडेट जो है उसका टोटल सीट जो है 655 है, ईडब्ल्यूएस में 153 है, 163 सीट हैं। इसी तरह एससी में 262, एसटी में 17, बीसी में 201, ईबीसी में 299 और पीडब्ल्यूडी में जो है 4% आरक्षण है, जिसमें दृष्टिबाधित का जो सीट है वह 35 है। इसी तरह यदि हम 35% आरक्षण पर महिला की सीट के बारे में चर्चा करते हैं तो यूआर में 159 सीट, ईडब्ल्यूएस में 54 सीट, एससी में 115 सीट, एसटी में 5, बीसी में 108, ईबीसी में 150। इस तरह
हमारा रोस्टर बिंदु जो है तैयार होगा। तो इस हिसाब से हम लोग बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कटअप लेकर आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक पीडब्ल्यू की बात बोले थे तो दृष्टिबाधित का जो सीट है वह है 35 है, मूक बधिर का जो है 21 सीट है, अस्थि दिव्यांग का 11 सीट है, मनोविज्ञान दिव्यांग का 5 सीट है और स्वतंत्रता सेनानी का 34 सीट है। तो इस सीट पर रिजल्ट जो है और रोस्टर बिंदु तैयार हो रही है, शिक्षा विभाग कर रहे हैं, बहुत जल्द रोस्टर बिंदु तैयार करके बीपीएससी आयोग को भेज दिया जाएगा और संभवतः अगस्त के तीसरे सप्ताह अर्थात 20 अगस्त से 24 अगस्त के बीच बीपीएससी तैयारी 4 का पीजीटी हिस्ट्री का रिजल्ट जारी हो सकती है। तो चलिए इसका कटअप क्या रहेगा, 50% आरक्षण पर, जहाँ तक क्वेश्चन का जो लेवल था उस हिसाब से यूआर का जो मेल में जो कटअप जाएगा यूआर का, वह आपको 75 से 77 तक। और वहीं फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का जो कटअप जाएगा वह 68 से 70, ठीक है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का जो कटअप जाएगा वह 71 से 73 के बीच, और फीमेल की बात करें तो 63 से 65 के बीच। इसी तरह बीसी की बात करते हैं तो बीसी मेल में 65 से 68 के बीच जो है इसका कटअप जाएगा। वहीं फीमेल की बात करते हैं तो 58 से 60 के बीच जाएगा। इसी तरह ईबीसी का जो मेल की बात करते हैं तो 60 से 62 की ओर जाएगा, और फीमेल की बात करते हैं तो 55 से 57 के बीच जाएगा। इसी तरह यदि हम एससी की बात करते हैं तो एससी का जो कटअप जाएगा मेल में वह 53 से 55 के बीच, वहीं फीमेल की बात करते हैं तो 50 से 52 के बीच जाएगा। इसी तरह एसटी की बात करते हैं तो 48 से 50 के बीच जाएगा, और फीमेल में 44 से 46 के बीच इसका कटअप रहने की संभावना है। वहीं पीएच दिव्यांग की बात करते हैं तो 51 से 54 के बीच, और फीमेल की बात करते हैं तो 48 से 50 के बीच कटअप रह सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न था वह मीडियम से मॉडरेट था। सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन ज़रूर बनाए होंगे और इस बार सीट की संख्या जो है पिछली बार की अपेक्षा कम है, तो इस हिसाब से मैंने ये बहुत एनालिसिस करने के बाद ये कटअप मैंने निकाला है। तो इस तरह 50% आरक्षण पर जो कटअप है वह कटअप इस प्रकार है, इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आपके हिसाब से कटअप और कितना जाएगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का कंटेंट अपडेट लेकर आप लोगों के लिए लेते आएंगे।